गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में गद्य पांच स्वराज की नींव का अभ्यास करेंगे, जिसके लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। यहाँ पर हमारे देश को जब आज़ादी नहीं मिली थी, हमारा देश जब अन्य विदेशी प्रजा का गुलाम था, हमारे देश में कई विदेशी लोग आए, उन्होंने हम पर अपना अधिकार जमाया, हमारे देश पर हमारा अधिकार जमाया और गुलामी में हमारे देश की प्रजा अपना जीवन व्यतीत करती थी। उस समय सबसे पहले इन लोगों का विरोध, जो लोग हमारे साथ अन्याय करते थे, हमारे ही देश में रहकर हम पर अत्याचार करते थे, ऐसे विदेशी प्रजा का विरोध करने की नींव रखने वाली नारी शक्ति का इस इकाई में हमें नारी शक्ति का परिचय दिया है कि हमें अपने जीवन में कभी भी किसी का गुलाम बनकर जीना नहीं है। स्वतंत्रता के लिए, अपने हक के लिए, अपना जो अधिकार है उसे पाने के लिए यदि हमारे प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो हमें हिचकिचाना चाहिए नहीं। ऐसी प्रेरणा देने वाली यह इकाई हमारी ऐतिहासिक इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा गया, लेकिन उसकी शुरुआत किसने की? महत्व शुरुआत का है, क्योंकि शुरुआत कभी नहीं होती तो कोई भी कार्य हम नहीं कर पाते, लेकिन शुरुआत करना ही महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ स्वतंत्रता पाने के लिए विदेशी प्रजा के सामने विरोध करने की शुरुआत किसने की? तो जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन चलता था, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस समय अंग्रेजों की नए नए जो नियम कायदे कानून जो हम पर थोपे जाते थे, उसका विरोध सबसे पहले हमारे महारानी लक्ष्मीबाई ने, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई ने उनका विरोध किया। मतलब झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई ने ही अंग्रेजों का विरोध करके सबसे पहले हमारे देश के आज़ादी दिलवाने की, लोगों को इस गुलामी से मुक्त करवाने की नींव रखी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नींव किसने रखी, स्वराज की नींव, स्वराज प्राप्त करने की नींव किसने रखी? तो महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई और उनकी नारी सेना ने सबसे पहले यह नींव रखी। बाद में उन्होंने आज़ादी तो प्राप्त नहीं की थी, उससे पहले ही वह शहीद हो गए, लेकिन उनकी जो लगाई हुई आग थी, वह आग बरसों तक जलती रही और उसमें जलकर विदेशी शासन का नाश हुआ। तो महत्व आज़ादी मिले या न मिले, जीत हो या न हो, उसका नहीं है, लेकिन महत्व किसका है? शुरुआत करने का। तो स्वतंत्रता प्राप्त करने की शुरुआत किसने की? तो नारी शक्ति ने की, यही बात इस इकाई में बताई गई है। तो विष्णु प्रभाकर, सबसे पहले हम लेखक का परिचय प्राप्त करें तो विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मिरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद 1974 में दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण आदि
रेखा चित्र आदि विद्याओं में पर्याप्त मात्रा में उन्होंने लेखन कार्य किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी उपन्यास है, संघर्ष के बाद व कहानी संग्रह है, नव प्रभात डॉक्टर व नाटक है, और प्रकाश और परछाइयां, बारह एकांकी, अशोक एकांकी संग्रह है, जाने अनजाने संस्मरण और रेखाचित्र है, आवारा मसीहा, शरद चंद्र की जीवनी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में आरंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना, देश के प्रति अप्रतिम प्रेम होने के कारण उनकी रचनाओं में हमें राष्ट्र के लिए कुछ कर मिटने की भावना उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है, और साथ में उन्होंने राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का भी स्वर उनकी रचनाओं में देखने मिलता है। तो उनके रचनाओं का मुख्य विषय रहा है राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। उनका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। उनकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्यापक है, व्याप्त है, तथा भाषा सहज व सरल है। प्रस्तुत एकांकी स्वराज की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन यहाँ पर किया गया है। स्वराज की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज की नींव के पत्थर है, जिनके त्याग, तपस्या, बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। जब महारानी लक्ष्मीबाई छोटी थी, मनु उसका बचपन का नाम था, और तब से वह अंग्रेजों के विरुद्ध थी। जब जब भी कोई अंग्रेज किसी पर अन्याय करते थे तो उसके सामने वह आवाज़ उठाती थी। बचपन से ही उसमें देश के प्रति, देश को स्वतंत्रता करवाने की भावना उसमें छिपी हुई थी। इसलिए जब छोटी थी तब से ही जब भी कोई अन्याय होता हुआ दिखाई दे तब तुरंत वह विरोध करती थी, और अंग्रेज भी इस मनु से डरते थे। मनु जब भी अंग्रेजों के सामने आवाज़ उठाती थी तो अंग्रेज का मुंह बंद हो जाता था। उसके बाद तो मनु एक साधारण ब्राह्मण कन्या होने के बावजूद भी उसकी कुंडली में एक महारानी बनने का सौभाग्य था। तो वह गंगाधर राव की पत्नी यानी कि झांसी के महाराजा गंगाधर राव की के साथ उसका विवाह हुआ और वह झांसी की महारानी बनी। जब जब भी गंगाधर राव कमज़ोर पड़े तब तब महारानी लक्ष्मीबाई ने उनका पूरा साथ दिया, लेकिन गंगाधर राव के अपनों के ही बुनी हुई चाल में गंगाधर राव का अवसान होने पर झांसी की पूरी जिम्मेदारी जब महारानी लक्ष्मीबाई पर आती है तब एक कर्तव्य परायण महारानी का रूप उसका हमें देखने मिलता है। तो जिस वक्त गंगाधर राव की मृत्यु हुई तब उन्होंने एक दत्तक पुत्र लिया था, उनको वारसदार में दत्तक पुत्र लिया था, लेकिन अंग्रेजों की कूटनीति के कारण अंग्रेज सत्ता का विस्तार करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक नियम बनाया था कि कोई दत्तक पुत्र नहीं ले सकता, कि
कोई भी राज्य का कोई वारसदार नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो वह दत्तक पुत्र नहीं ले सकते। लेकिन ये ऐसा उन्होंने नियम बनाया था, तो उसका विरोध महारानी लक्ष्मीबाई ने किया। और विरोध तो किया, फिर भी अंग्रेजों ने उन पर हमला किया, झांसी को अपने हस्तक ले ली। उसमें अपने ही घर में रहने वाले अपने सगे संबंधी भी अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, जिसके कारण महारानी लक्ष्मीबाई के हाथ से झांसी अंग्रेजों के हाथ में चली जाती है। तब महारानी लक्ष्मीबाई निश्चय करती है कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं अपनी झांसी वापस लेकर ही रहूँगी, मैं अपनी झांसी को स्वतंत्र करके ही रहूँगी। तब वह संघर्ष शुरू करती है। तब उसकी नारी सेना ने उसका पूरा उसमें पूरा योगदान दिया। उसके साथ तात्या रघुनाथ जैसे महावीर पुरुष भी थे, लेकिन कई राज्यों का साथ सहकार उसे नहीं मिला, क्योंकि वह अंग्रेजों से डरते थे। इसलिए उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई को इस संग्राम में साथ नहीं दिया। फिर भी लक्ष्मीबाई बिना निराश हुए उसने अपनी जंग जारी रखी, और जंग जारी रखी। तब वह लड़ते लड़ते युद्ध में अंग्रेजों ने जो षड्यंत्र रचा था उसमें वह फंस गई और शहीद हो गई। लेकिन उसने जो शुरुआत की अंग्रेजों के सामने विरोध करने की, उनके साथ युद्ध करने की, उसके नियमों को तोड़ने की जो शुरुआत की, वह उसके मरने के बाद भी लोगों ने उसे उसी पथ पर लोग चल पड़े, और देश में स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी एक बड़ी बहुत बड़ी आग के रूप में फैल गई। और इस स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत जिस महारानी लक्ष्मीबाई ने की थी, वह जीते जी तो अपनी झांसी को वापस न ले सकी, लेकिन उसके मरने के बाद लोगों में जो स्वतंत्रता की चिंगारी भभक उठी थी, उसके कारण देश को आज़ादी मिली। इसलिए लेखक कहते हैं कि विदेशी प्रजा से अपने देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए जिसने शुरुआत की है, नींव रखना मतलब शुरुआत करना, तो स्वतंत्रता संग्राम की जिसने भी नींव रखी है वह महत्वपूर्ण है, वह नींव मजबूत थी। इसलिए हम आज गुलामी में से मुक्त हो सके हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो प्रस्तुत एकांकी साहित्य विधि क्या है, इसकी साहित्य प्रकार उसका एकांकी है। प्रस्तुत एकांकी एक अंक का नाटक, एकांकी मतलब प्रस्तुत एकांकी स्वराज की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई ने त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज की नींव के पत्थर है, जिनके त्याग तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नवजागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। तो इस एकांकी के पात्रों की बात करें तो लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथ और सेनानायक। तो तात्या और जूही की जोड़ी है, मुंदर और रघुनाथ की जोड़ी है, और लक्ष्मीबाई की दोनों, मुंदर और जूही लक्ष्मीबाई की दोनों साथी है। नारी सेना की मुख्य कर्ता हरता है। रंगमंच पर जब पर्दा गिरता है तब रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास में ही लगा हुआ, रंगमंच पर युद्ध भूमि दिखाई दी, और युद्ध शाम के रात के समय जब युद्ध बंद होता है तब वहाँ रुकने वाले सैनिकों के लिए जो रहने की व्यवस्था की है वह कैंप पास में ही लगाए हुए थे। तो यहाँ पर लक्ष्मीबाई के त्याग और लक्ष्मीबाई के सेना को रहने के लिए कैंप भी वही पास में ही लगे हुए थे।
महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। जब पर्दा खुलता है तब रंगमंच पर एक और युद्ध भूमि का वातावरण है, दूसरी ओर कैंप लगे हुए हैं और कैंप में लक्ष्मीबाई का तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। तो जब पर्दा खुलता है, नाटक शुरू होता है, तो सबसे पहले रंगमंच पर क्या दिखाया गया है, युद्ध भूमि का वातावरण दिखाया गया है। पास में ही तंबू लगे हुए हैं, तंबू में महारानी का जो तंबू है उसका एक भाग दिखाई दे रहा है। और जब पर्दा उठता है तब लक्ष्मीबाई अपनी सेना अपनी सखी जूही के साथ वह रंगमंच पर सैनिक वेश में आती है और उत्तेजित अवस्था में है। लक्ष्मीबाई ने कहा, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया, झांसी कालपी ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। हर बार वह झांसी को प्राप्त करने की पूरी योजना बनाती है और योजना के मुताबिक चलते चलते वह अपनी मंजिल तक यानी कि झांसी को वापस पा सके उतनी नज़दीक पहुंच जाती है। और कोई न कोई बीच में ऐसा विघ्न आता है या कोई खड़ा करता है विघ्न, जिसके कारण हाथ में आते आते झांसी फिर से वापस चली जाती है। तो मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। कोई ना कोई मुसीबत, हिमालय अड़ जाना यानी कि मुसीबत आ जाना, तो कोई ना कोई मुसीबत मार्ग में आ जाती है, जिसके कारण मैं मंजिल के नज़दीक पहुँचती हूँ। नज़दीक पहुँचने के बावजूद भी हादसे में झांसी को खो बैठती हूँ। तो स्वराज को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण में हिमालय अड़ जाता है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही उधर क्षितिज पर, देखो कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है, प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। आवेश में आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है। महारानी जूही के साथ वार्तालाप कर रही है, जिसमें वह अकेली ही बोले जा रही है। जब जूही कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है तब फिर से महारानी बोलने लगती है। तो इस तरह उसका जो आक्रोश है, उसका जो गुस्सा है, वह अपनी बातों से बाहर निकलता है या में दिखाई देता है कि इतना प्रयास करने पर भी कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है और मंजिल तक पहुंचते पहुंचते हम अटक जाते हैं बीच में ही। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है तो महारानी फिर बोल उठती है, जूही जूही मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं लूँगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही मैंने प्रतिज्ञा की थी कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी, फिर भी मुझे देनी पड़ी, मेरे हाथ से झांसी निकल गई। सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूँगी। जब झांसी में से महारानी कोई ना कोई कारण सर अंग्रेज ऐसी परिस्थिति पैदा करते थे कि उसे बाहर जाना पड़े, और जब महारानी झांसी से बाहर जाए तब वह झांसी के किले के अंदर आकर अपना डेरा जमा लेते थे, फिर चारों ओर इतना कड़क प्रबंध कर देते थे
की बंदोबस्त कर देती थी, जिससे महारानी वापस अपने महल में नहीं प्रवेश सकती। तो इस तरह उस छल कपट से उन्होंने, अंग्रेजों ने झांसी अपने हस्तक कर ली थी। तो महारानी का को उसका आक्रोश है, वह कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार तो ऐसा हुआ कि महारानी अपनी झांसी की प्रजा को खाने पीने से तड़पती हुई नहीं देख पाती थी, तो अन्य राज्यों से मदद मांगने गई तो किसी ने उसकी मदद भी नहीं की थी। फिर भी वह निराश नहीं हुई, हताश नहीं हुई, अपनी जंग को उसने जारी रखा। और वह कहती है कि मैं अकेली हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं अपनी झांसी वापस लेकर ही रहूँगी। जूही ने कहा, कौन कहता है आप अकेली हैं महारानी, कौन कहता है कि आप अकेली हैं महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी। जो गीता पढ़ते हैं उसमें बताया गया है कि कर्म करते रहो, कल की चिंता मत करो, आज जो भी है उसमें अपना जो कर्तव्य है उसमें निभाते रहो। आप तो ऐसे गीता पढ़ती है तो गीता का ज्ञान होने के बावजूद आप ऐसे निराश नहीं हो सकती। तो लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था, जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज नहीं मिल सकता। मैं निराश नहीं हूँ, लेकिन गंगादास ने जो कहा था वह बात सोचकर मुझे लगता है कि उन्होंने जो बात बताई थी कि छुआछूत नहीं होना चाहिए, फिर भी आज समाज में ये चल रहा है, विलास प्रियता में नहीं डूबना चाहिए, फिर भी आज ये दृश्य हमें देखने को मिलता है, लोग विलास प्रियता में डूब कर खो जाते हैं, क्या होता है कैसे होता है उसके बारे में कुछ सोचते नहीं या समझते नहीं, फिर आपत्ति या मुसीबत जब नज़दीक गले तक आ जाती है तब जागते हैं। तो ये सब देखकर मुझे बुरा लगता है। तो कहती है कि उस दिन गंगादास ने जो कहा था कि छुआछूत और विलास प्रियता जब तक छोड़कर हम जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक हमें स्वराज नहीं मिल सकता, वह मिल सकता है केवल सेवा तपस्या और बलिदान से। स्वराज हमें कैसे मिल सकता है, तो सेवा तपस्या और बलिदान से मिल सकता है। लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज मिले या ना मिले, लेकिन स्वराज प्राप्ति के लिए हमें नींव डालना अति आवश्यक है, यानी कि शुरुआत करना, तो वो भी हम कर रहे हैं। स्वराज के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज की नींव का पत्थर बनना, और स्वराज प्राप्ति के नींव का पत्थर बनना है हमें। सफलता और असफलता दैव के हाथ में है, यानी कि भाग्य के हाथ में है, दैव के हाथ में यानी कि भाग्य के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है, वह हमारा अधिकार है। नींव का पत्थर बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता, हम नींव का पत्थर बनेंगे, हमें आज़ादी मिले या न मिले, स्वराज मिले या न मिले, ये दूसरी बात है। तो यहाँ पर नींव रखना, शुरुआत करना, ऐशो आराम विलास प्रियता, विलास प्रियता, प्रलय सृष्टि का विनाश, सृष्टि का विनाश,
पड़ जाना, किसी बात को मनवाने की जिद करना, पड़ जाना किसी बात को मनवाने की किसी बात को मनवाने की जीत करना, थपेड़े मारना, समस्या का तेजी से उभरना, जिसे उभरना, कोई ना एक समस्या का हल ढूंढते ढूंढते कई समस्या एक साथ खड़ी हो जाती है। इसलिए महारानी कहती है कि महासागर की डरावनी लहरें थपेड़ा थपेड़े मारती है, हाथ से निकल जाना, अपने बस में न रहना, जो इकाई का अभ्यास किया उसके पूर्व भाग में जो जितने शब्द आ रहे थे मैंने आपको लिखवा दिए हैं, वो आपकी नोटबुक में लिखने हैं। बाकी जो शेष बाकी का जो पाठ है हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।